हे गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जो कि है विजडम हाउस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम करेंगे मेड इन इंडिया इंडस्ट्रियल टूल मशीन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम आज करेंगे इस बॉक्स को अनबॉक्स। और ये क्या है? इंडियाज़ लीडिंग पावर टूल ब्रांड, ठीक है। और ये कौन से कंपनी का है? प्लैनेट पावर टूल्स का। ये है प्लैनेट पावर टूल्स का प्रीमियम ग्लोबल एक्सपर्टीज लोकल केयर। अभी बॉक्स पे तो इतना ही है, स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे। उससे पहले इसका कोडिंग देख लेते हैं। इसका कोडिंग क्या है? EC4 कोड्स का है ये। और 110 mm कटर है, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए है। और इसके अंदर डबल इंसुलेटेड है ये, ठीक है। ऑल द फोर कॉर्नर्स देख लेते हैं इसके बॉक्स पे और क्या है। वो तो सिमिलर ही लग रहा है मुझे, ऑल द फोर कॉर्नर सिमिलर ही है, सिर्फ ऊपर ही है, बाकी कुछ और नहीं है। तो इससे पहले लेट हो जाए तो हम इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। ये साइड के टेप से वो हटा लेते हैं और यहाँ से कट करके देख लेते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। जैसे कि ये कट हो गया, अभी देख लेते हैं अंदर क्या क्या मिलता है हमें क्या क्या मिलता है इसके अंदर। तो ये बॉक्स ही कुछ इस तरह है इसकी। इसके अंदर भी हटा देते हैं, मेरे अंदर चले जाते हैं। तो ये आपको दिख रही होगी, ये डायरेक्ट ये मोटर है, एक पाइप है, ये नॉब है उसका प्रेशर कम ज़्यादा करने के लिए। और ये किस किस के लिए यूज़ आती है ये भी हम देखेंगे कुछ ही समय में। पहले ये निकाल लेते हैं, मोटर साइड में निकाल लेते हैं। उसके साथ ये इसके नट टाइट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये साइड में रख लेते हैं, बॉक्स को हम साइड में रख लेते हैं और देख लेते हैं और अंदर अपने को क्या क्या मिलता है। थोड़ा सा अनरैप कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रही है ये टूल मशीन प्लैनेट पावर की। ये 110 mm की ब्लेड लगती है इस पर, उसके ऊपर नहीं लगेगी। 125 या 150 की नहीं लगेगी क्योंकि इसका फील्ड ही उतना ही है, तो इसके ऊपर नहीं लगेगी, ठीक है। तो हम उसको भी चेक कर लेंगे। इसमें क्या क्या अपने को मिलती है, क्या क्या इसकी चीज़ें हैं, वो पहले देख लेते हैं। ये कॉर्ड है, कितनी लेंथ है इसका, ये 2 meters की कॉर्ड है। ये देख लीजिए आप, ये 2 meters की है। 2 meters की कॉर्ड आपको मिलती है इसके साथ अटैचमेंट के लिए। इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट कटिंग के समय इसको ऐसे पकड़ के काटना पड़ता है ताकि ये कॉर्ड कटे ना, ठीक है। और ये इसका नॉब है, ये इसको स्टॉपिंग नॉब है इसका इधर का, ठीक है। तो और ये यहाँ पे इसका ये अटैचमेंट है कि कितने साइज में आपको काटना है, कितना ऊपर लेना है, कितना नीचे लेना है ब्लेड को। तो ये हम ब्लेड लगा के चेक करते हैं, ठीक है। तो ब्लेड लगा लेते हैं हम इसका। उससे पहले चारों तरफ देख लेते हैं क्या क्या है। ये प्लैनेट पावर का ब्रांडिंग यहाँ मिलता है। यहाँ पे ये दोनों साइड पे आपको कार्बन वाला मोटर है इसमें, दोनों साइड पे कार्बन मिलेंगे। और अंदर आप देख सकते हो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक बॉडी है इसका, पूरा प्लास्टिक बॉडी है। ये भी स्टील नहीं है, ये भी प्लास्टिक बॉडी है। इसके अंदर आपको कॉपर वाइंडिंग मिलती है, डबल इंसुलेटेड कॉपर वाइंडिंग मिलती है आपको। ये भी मेटल है, बाकी ये भी ऊपर का मेटल है, ये भी मेटल है। ये सिर्फ मेटल दो चीज़ है और ये नीचे का दो चीज़ मेटल है, बाकी का ये हैंडल पूरा आपको प्लास्टिक या कोई और मटेरियल में मिलता है, ठीक है। तो इसको हम ब्लेड लगा के चेक कर लेते हैं। ब्लेड के लिए ये है 110 mm, ठीक है। ये 110 mm है, 1.8 mm का इसका थिकनेस है, 20 mm बोर्स है, 20 mm का ये है बोर्स उसका, और 30 टीथ्स है इसके, ठीक है।
तो ये फिलहाल के लिए तो ये एक प्लाईवुड और वुडन कटिंग करने की ब्लेड है, तो इसे हम लगा लेते हैं। अब ब्लेड लगाते समय आपको ये दो, ये चार एरो दिखाई देते हैं कि ये कौन से तरफ से रोटेट करेगा। ऐसे रोटेट ये ऐसे करने वाला है, ठीक है, हैंडल की तरफ ये ऐसे रोटेट करने वाला है। ये ब्लेड कभी ऐसे ना लगाइए, ठीक है। तो ये ऐसे रोटेट करेगा तो ये कटिंग नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे लगाना है आपको, यहाँ पे उसके इंस्ट्रक्शन दिए हुए, एरो दिए हुए चार, तो वैसे आपको लगाना है, ठीक है। देख लेते हैं इस मशीन के बारे में। तो यहाँ पे प्लैनेट पावर लिखा हुआ है, बाकी ये तो हमने लगा लिया है इसका ये कटर ब्लेड। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ और कैसे यूज़ करना है इसे। तो ये है इसका हैंडल, और इस तरह से पकड़ के ये आपका फेशिया रहता है कि ऐसे कट कर सकते हैं आप, ऐसे सीधा। और इसका ब्लेड का कभी भी इस तरफ होना चाहिए, ये ऐसे कटर है, ये 30 टीथ का ब्लेड है, ये वुडन कटर वाला। तो अभी इसका ये देख लेते हैं मेजरमेंट कितना है। तो इसका मेजरमेंट से पता चलेगा कि ये कितने अंदर तक जाएगा और कितना कट करेगा। तो वैसे तो ये बड़ा ब्लेड होगा, 5 इंच का तो ज़्यादा जाएगा, बट ये 4 इंच का है, तो देख लेते कितना है। देखिए ये 30 mm तक जाएगा, 1/4 इंच है ये, मतलब 30 mm कर, ठीक है। और इसका ये एडजस्टमेंट है, यहाँ पे एडजस्टमेंट नॉब है ये, इससे आप कुछ कितना बड़ा करना है, कितना छोटा करना है, कितना डीप करना है, या कितना कटिंग करना है, कितना या ग्रूव गन बनाना है, वो उससे यहाँ पे तय होगा। और ये यहाँ पे लॉक करवा देना है, यहाँ से ये टाइट करना पड़ता है, लूज करना पड़ता है, ताकि ये प्रॉपर ले, और यहाँ पे ये लॉक कर देने का। तो फिर यहाँ से लॉक करने के बाद जितना कट करना है अपना, उतना ही कट होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। फिर इसके साथ हमें अंदर क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। ये दो पाने मिलते हैं इसको ब्लेड लगाने के लिए, दोनों तरफ से, इसे एक तरफ से ऐसे और दूसरी तरफ से ऐसे यूज़ करना पड़ता है ऐसे। और एक ये नॉब कुछ मिलता है, तो इसका यूज़ तो एक तो एयर सक्शन के लिए होता है और दूसरा वाटर पाइप के लिए होता है। तो हम ये ऐसे खींच लेंगे, तो ये आपको ये एक ऐसा एक छोटा सा नॉब मिलेगा, और यहाँ पे एक ग्रूव मिलेगा यहाँ पे। तो इस ग्रूव में आपको इसको ऐसे लगाना है, ठीक है। और ये है एयर, ये पाइप है वाटर पाइप, इसको आपको ऐसे ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ये ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ से पानी का प्रेशर आते रहेगा, और ये जब भी स्टोन कटिंग करेंगे तो इसको पानी मिलता रहेगा। तो ये है इसका यूज़, जो कि चार इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं हमें इसके साथ, बस इतना ही है। अब इसका स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। तो ये प्लैनेट पावर का EC4 है कटर मशीन, 4 इंच का, 230 वोल्ट्स का, 50 हर्ट्स का, 5.2 एम्पियर का, 1200 वोल्ट का है ये। इसके लिए अच्छी खासी पावर चाहिए बोर्ड में, 5 एम्पियर का तो सॉकेट, 5 या 15 एम्पियर का सॉकेट चाहिए इसके लिए। और ये 12000 RPM पे, मतलब इसकी बहुत ज़्यादा ताकत है मोटर की, कटिंग की। कटर मशीन का यूज़ और फॉल्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है, तो पहले वो देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कटर मशीन दो प्रकार के होते हैं, एक वुडन मटेरियल कटिंग के लिए और दूसरा मार्बल्स और एल्यूमिनियम ब्लॉक कटिंग के लिए। वुडन मटेरियल में सब आ जाता है, जैसे कि MDF आता है, एक्रेलिक शीट आता है, प्लाईवुड आ जाता है, वुडन ब्लॉक्स आ जाते हैं, टीक वुड वुडन ब्लॉक्स आ जाए, जैसे कि लकड़ा, सादा लकड़ा, कोई भी लकड़ा कटिंग के लिए कटर मशीन उस प्रकार की आती है। और मार्बल कटिंग के लिए अलग हैवी मशीन आती है, हैवी ड्यूटी मशीन आती है। अब वुडन कटर्स की ब्लेड साइज कौन कौन सी कटर में साइज में आती है, 110 mm 4 इंच, 125 mm 5 इंच और 150 mm 6 इंच। पहले तो वुडन कटर मशीन पहली बार तो लो आर पी एम की मोटर रहती है, और उतनी स्ट्रांग नहीं रहती है मोटर, सिर्फ उस पर एक ब्लेड लगती है, वो भी वुडन कटर की और एक्रेलिक या MDF कटर मशीन की वही ब्लेड लगती है। उस वजह से अगर आप उसको डायमंड कट, कोई भी मार्बल कटिंग ब्लेड लगाओ और वो अगर आप स्टोन पे यूज़ करने जाओ तो वो आपकी तरफ झटका खा सकती है, और वो वेट में भी उतनी नहीं होती है, और